आप ये पूरी डिबेट क्या आदम खान के नजर करे दे रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो रोजगार की बात कर रहा हूँ। अरे मैं तो रोजगार की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश। और आप इतना डर क्यों रहे हैं बोलने में? किसानों का 2 साल आंदोलन चला उसकी बात करिए, आज इस सरकार में जो भ्रष्टाचार है उसकी बात करिए, जो बुरी हालत है ऐसा आप करिए ना। आपको खुला मंच है, खुला माइक है, प्रोग्राम लाइव है। हाँ आप करिए बात, इसकी बात करिए। अगर किसी NRC में, किसी उत्तर प्रदेश में अगर किसी को दुख हुआ तो कौन पार्टी आई? अगर किसान के साथ उत्पीड़न हुआ या किसान की कैजुअल्टी हुई तो कौन नेता, कौन पार्टी निकल के आई? आप इस पे बात करिए ना। जनता अगर किसी दलित के साथ बात करिए ना। कायम करके उनको रामपुर की रहनुमाई से महरूम कर दिया। रामपुर के जो नेता थे, बिल्कुल सही बात है, सब लोग समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं को इन्होंने फर्जी मुकदमों में बंद कर दिया और उनके ऊपर, उनके प्रॉपर्टियों के ऊपर बुलडोजर भेजा इन लोगों ने। और ये आरोप और जो सच्चाई बोलने वाले लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमे कायम करा देते हैं। तो इसलिए रामपुर महरूम कर दिया इन्होंने, रामपुर की आवाम परेशान है। इन्होंने रहनुमाई क्यों नहीं करी इन लोगों ने? आजम खान साहब 2 साल से जेल में बंद हैं, आजम खान साहब 2 साल से जेल में बंद हैं, जेल में अपने कर्मों से बंद हैं। इनकी रहनुमाई किया उन्होंने, जमीनें कब्जाई हैं, मदरसे तोड़े हैं, मस्जिदें तोड़ी हैं उन्होंने, उन्होंने मस्जिदें तोड़ी हैं, मदरसे तोड़े हैं। लेकिन राजू बागी साहब यही तो दिक्कत है, आपके ऊपर ये आरोप लगता रहा कि आप धर्म और जाति की राजनीति नहीं, रहनुमाई करी हमारे रामपुर की, सबका, हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया। कोई जाति की राजनीति नहीं है सबके लिए। जितनी योजनाएं चल रही है भारत सरकार की, मुस्लिमों को खास तौर से विशेष रूप से फायदा मिला है, उसमें सबको साथ में लेके चलना है। फैजल लाला मुझे एक बात बताइए, वो कह रहे हैं कि ये आज तक विकास हुआ, वो ये कह रहे हैं कि हम थे तो हमने विकास कराया, और आप कह रहे हैं कि नहीं देखिए विकास तो एक आदमी का हो गया, उनके रिश्तेदारों का हो गया। मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ के युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, यहाँ के लोगों का विकास कब होगा? देखिए मैंने आपको विकास तथ्यों के साथ बताया किस किस का क्या क्या विकास हुआ है। अब मैं बात करता हूं दिल्ली मॉडल की। आज दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश के हर जनपद का एक आदमी नौकरी करता है। आखिर क्यों दिल्ली जाकर लोग नौकरी करने को मजबूर हैं? आज यहां पर अगर किसी को तबीयत खराब हो जाए तो सरकारी अस्पताल में, पूरे उत्तर प्रदेश के किसी सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए, वहां पर आपको बुखार की भी दवाई नहीं देंगे, कहेंगे बाहर से जाकर दवाई खरीद लो। आज छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं, लोग अपनी बीमारियों का इलाज कराने के लिए दिल्ली जाते हैं। क्या दिल्ली जैसा एक अस्पताल यहाँ खोलना नामुमकिन काम है? क्या खोला जा सकता है? लेकिन अच्छी नीयत होना चाहिए। आज दिल्ली के अंदर बिजली बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है। दिल्ली दूसरे राज्यों से बिजली खरीद कर अपने यहाँ के लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करता है। आम आदमी पार्टी ने वादा करती है कुछ बोलने के दिल्ली झूठ बोले, शानदार मेडिकल कॉलेज बंद करवा दिया बीजेपी पार्टी ने, और ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी खड़ी है केंद्र मेडिकल की सरकार ने, और बात करने के लिए जो भी बिजली का बिल बकाया है वो सारा बकाया माफ करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। ये जो कह रहे हैं कि आजम खान आज जेल में है, उन्होंने जनता का, रामपुर की जनता की फायदा किया, तो मैं जो समाजवादी के नेता है मैं उनसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि अगर रामपुर के लिए उन्होंने रामपुर के लोगों को रोजगार दिया, बेरोजगारी खत्म करी, तो आज रामपुर की जनता सड़कों पर आजम खान के लिए क्यों नहीं आती, क्यों धरने प्रदर्शन क्यों नहीं करती? भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर शिकंजा कस दिया है, जो बोलेगा जेल में जाएगा। उनके लिए, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ बेरोजगारी दी है और दरों दीवारों का विकास किया है, हमारा विकास नहीं किया, अपना विकास। चुनाव में दिख जाएगा आप लोगों को जनता किसके साथ है। हमें तो बेघर कर आए ना, रामपुर को बेघर कैसे करते? अजीम इकबाल साहब एक गंभीर आरोप है कि आपने एक भी अस्पताल पे काम नहीं किया, और इनका ये कहना कि इसी अस्पताल बंद कराएं, अभी कह रहे देखिए अस्पताल बंद कराएं। वो अस्पताल जो इलीगल थे जिनमें मरीजों को लूटा जा रहा था, जिनकी मौतें हो रही थी, उसमें नेता होने के नाते आजम खान साहब ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। बाकी जिला अस्पताल रामपुर आप देख लीजिए जाकर के क्या स्थिति थी और आज क्या है। रामपुर में ऑक्सीजन प्लांट आजम खान साहब की देन है। रामपुर आपने में कितने अस्पताल खुलवा दिए? मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, क्योंकि 4.5 साल तो आप ही ना सत्ता में, उसे आपने बंद करा दिया। बोली एक पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर था। जो अस्पताल खुले हैं, एम्स खुले हैं, 11 एम्स खुले हैं पूरे देश। रामपुर में कितना अस्पताल खुला? रामपुर में भी अस्पताल खुले हुए हैं,
रामपुर में बहुत सारे अस्पताल छोटे छोटे खुले, 5 साल में इन्होंने क्या किया वो पूछ रहे हैं। विकास कर रहे हैं प्रदेश में, इतनी बढ़िया व्यवस्था हुई है चिकित्सा की। अभी ये कह रहे थे, देखिए मैं तो देखिए एक मिनट, मैं आपको बताऊं इतनी व्यवस्था की है कि सब लोगों को ऑक्सीजन की व्यवस्था हुई है। इतनी तेजी से जो महामारी फैली है, इससे पहले जब महामारी हुआ करती थी तो 30-30 साल बाद वैक्सीनेशन आया करता था, दवाई आया करती थी। आज जब महामारी फैली है पूरा विश्व वैक्सीनेशन हुआ, इसमें रामपुर की बात नहीं भैया, पूरे विश्व में, पूरे रामपुर की बात कर रहा हूं, मैं तो रामपुर की बात कर रहा हूं, यूपी की बात कर रहा हूं, पूरे देश की बात कर रहा हूं। रामपुर में नुमाइंदा नहीं है हमारा। रामपुर का जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में घोषणा कर दी गई, मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हो रहा है इस सरकार में। मेडिकल कॉलेज रामपुर में बन जाएगा अस्पताल, जब सरकार जा रही है चुनाव होने के बाद घोषणा करी है, चुनाव को देखते हुए घोषणा की गई है। झूठ और प्रपंच की राजनीति से हम व्यापारी वर्ग बहुत दूर हैं। न किसी का विरोध, न किसी का समर्थन। व्यापारी हित में परीक्षण, और जो व्यापारी हित की बात करेगा व्यापारी उसी का समर्थन करेगा, ये हमारा नारा है। आप बताइए जी। देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने राज्य में काम करे, मैं नहीं मानता, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा था और कोरोना वायरस का पूरा कोरोना काल था, वो ये कहते थे कि ऑक्सीजन का हमने वहाँ पे प्लांट लगवाया है, तो रामपुर की जनता क्यों बार बार टकरे मार रही थी, बार बार ऐसा क्यों सिलेंडर लेकर अरेंज करके लेकर आ रहे थे, कहाँ गया था वो प्लांट उनका, कहाँ ये कहाँ गया था प्लांट बताइए। कोई व्यवस्था नहीं थी ऑक्सीजन की, जब से योगी सरकार में कोरोना काल में आया लोग तरफ तरफ के मर जाते। आज रामपुर में 3 दिन ऑक्सीजन प्लांट है। आजम लोग गंगा में बह रहे थे जब ऑक्सीजन किसी को नहीं मिल रहा था, सब बाहर तड़प रहे थे लोग, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला जब कोरोना के टाइम में। प्लांट होते हुए भी उसे चालू नहीं करा गया। मुद्दे पर की जाएगी क्या? हम लोग किराए पे रूम लेकर घर से किस प्रकार से हमें पैसे मिलते हैं, उधार लेते हैं, उसके बाद भर्तियां कैंसिल की जाती है। किस तरह से कोई एकाध भर्ती सरकार में या जो पहले की सरकार हुई कोई, या युवाओं को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट दिया गया है, कब तक इस तरह से हमारा जो है उपयोग किया जाएगा? मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूँ इकबाल साहब, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए अभी हमने रोजगार की बात कर रही है, हम स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कह रहे हैं स्वास्थ्य के मुद्दे पर ऑक्सीजन मिला नहीं कोरोना काल में, और ये कह रहे हैं कि आपने इतने साल सत्ता में रहने के बावजूद भी स्वास्थ्य को लेकर कोई काम नहीं किया। किसकी जिम्मेदारी है ये सत्ता की? 4.5 साल से इनकी, 4.5 साल से इनकी, और इसके पहले आप काम किया था आजम खान साहब ने, संचालन की जिम्मेदारी सत्ता होने के नाते आपकी थी, क्यों आपने बदनाम करने के लिए वो प्रोजेक्ट नहीं चालू किया? आप जब चुनाव नजदीक आ गया है तो आप कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज में तब्दील करने जा रहे हैं, रामपुर की जनता को लॉकडाउन में लगातार काम चल रहा है, ऑक्सीजन प्लांट चालू हो चुके हैं, से गैस लाने के लिए मजबूर किया। अरे आपकी तो जिम्मेदारी बनती थी रामपुर जिला चिकित्सालय में गैस प्लांट, आपकी जिम्मेदारी बंद करने की थी, आपने बंद किया है। हमने बंद नहीं किया, हमने चालू कराया है, आपने बंद कराया जिला प्रशासन की, और आपकी जिम्मेदारी बनती थी चालू कर दी। किसने बंद किया और किसने चालू किया? मिला था सिलेंडर दिल्ली में, सिलेंडर मिला था, पूछ रहा भैया आम आदमी। मैं रामपुर की बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ दिल्ली, बात करने के लिए दिल्ली जाइए आप। अभी यहाँ की बात आजम खान साहब ने चालू किया भैया, रामपुर में, रामपुर की बात कर। स्थिति ऐसी थी जो कि सिलेंडर कहीं नहीं थे। ओके ये बात सही कह रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, महंगाई को कम करे सरकार। सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा, व्यापार की सुरक्षा, व्यापारी सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। व्यापारी को सुरक्षा दे और पुलिस कंट्रोल से बाहर है, पुलिस को सरकार कंट्रोल करे, उस पर शिकंजा कसे। फैजल लाला साहब सुरक्षा की ये बात हम अगर करें तो कह रहे हैं व्यापारियों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, आप भी यही मान दी, क्योंकि उनसे पूछूंगा तो कहेंगे पूरी तरह सुरक्षा है। इन लोगों ने केवल मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट मांगे हैं, तो ये सिर्फ शमशान दे सकते हैं, कब्रस्तान दे सकते हैं, ना ही अच्छे अस्पताल दे सकते, ना ही अच्छे स्कूल दे सकते, ना ही अच्छी बिजली दे सकते हैं। रहा सवाल कोरोना काल का, इन लोगों ने कोरोना तक में दलाली कर ली, शमशान तक में दलाली कर ली। हमने देखी है वो तस्वीरें जिस वक्त बिना किसी सोची समझी रणनीति के तहत लॉकडाउन पहली बार देश के अंदर लगाया, तमाम लोग बेरोजगार होकर अपने अपने घरों को जब पलायन कर रहे थे तो इन लोगों के पास बसें नहीं थी उनको घर पहुंचाने के लिए। लोग पैदल अपने घरों को मीलों सफर पर निकल गए, अपने मासूम मासूम बच्चों को गोदों में लेकर मीलों सफर पर चलते हुए हमने वो तस्वीरें देखी है, बच्चों के पैरों में छाले पड़ गए थे, और रास्ते में पुलिस के झंडे भी उनको पकड़ रहे थे, चलवाया है रास्ते में, पुलिस भी पीट रही थी उन लोगों को, मासूम बच्चों के पैरों में छाले। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली से लोगों को बाहर कर दिया, इस वजह से लोग पैदल चल के उत्तर प्रदेश के जिलों में गए। ये लोग दिल्ली से, ये लोग बंबई से, ये लोग सूरत से, ये लोग गुजरात से लोगों को अपने घर नहीं पहुंचा पाए, सारी कुछ इनके पास थी, सारा केजरीवाल ने कोरोना को लेकर जो भी गाइडलाइन थी वो राज्यों के पास कोई ताकत नहीं थी, सारा कंट्रोल केंद्र के पास था।
और इन्होंने उसके अंदर खूब भरपूर दलाली करी है। कितने सारे ऐसे मामले सामने आए हैं, 500 रुपए का ऑक्सीमीटर इन्होंने 1500 रुपए में खरीदा, 1000 रुपए का थर्मामीटर इन्होंने 10,000 रुपए, 1 लाख का वेंटिलेटर इन्होंने 10 लाख रुपए में खरीदा। इन्होंने दलाली की है कोरोना के टाइम पे। अरविंद केजरीवाल के टाइम में जो गैस अलॉट की गई उन्होंने प्राइवेट कुछ लोगों को दे दी और उन लोगों ने उसका ब्लैक किया है। आम आदमी को गैस नहीं उपलब्ध हुई, ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं हुई, सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने उसको ब्लैक कर दिया। उसके बाद में 1000 का कर दिया गया बीजेपी सरकार में, फ्री सिलेंडर बांट के और 1000 का कर दिया। बताइए कैसे चलाएं, लकड़ियां जलाने का मजबूर है आज हम लोग। महंगाई तो बहुत ही बुरा हाल है, महंगाई से कोई जनता के पास कुछ रोजगार तो है नहीं, महंगाई सातवां आसमान पे है। जो हमारी फ्री बिजली देगा, जो हमारे बच्चों की फ्री शिक्षा देगा, तो जो हमारे सुरक्षा के लिए सोचेगा, और वो है आम आदमी पार्टी। हम आम आदमी पार्टी को वो अखिलेश यादव जी देने जा रहे हैं, कैसी सरकार चाहिए, सरकार बनने जा रही है समाजवादी पार्टी की। हम अब रामपुर में बदलाव चाहते हैं, सब जान चुकी है कौन उनका हितैषी है जी। बदलाव चाहते हैं, आम आदमी की सरकार चाहते हैं, हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। आम आदमी पार्टी पहले अपना संगठन खड़ा कर ले उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूती के साथ में। देखिए वो आम आदमी यहाँ पर जातिगढ़ सब मिलकर रहे हैं यहाँ पर। आप सुन लीजिए एक मिनट सर, एक मिनट सुन लीजिए अजीम पाल, सुन लीजिए महिलाएं कुछ सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, इन तीनों पार्टियों ने कभी महिलाओं की सुरक्षा नहीं करी है, ना कोई समाज सेवा की है। हम सिर्फ आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे और वही समाज सेवा करती है, राजनीति नहीं करती है। तो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने सुरक्षा दी। अब आप बोल लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए सर, आप बोल रहे थे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो किया है बेहतर किया है, इसकी सब तारीफ करते हैं, वो ये छह जन्मों में नहीं कर सकते। लेकिन अरविंद केजरीवाल लेकिन उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जो समीकरण है वो आम आदमी पार्टी का बिल्कुल फेल है। यहाँ पर जनता बिल्कुल नकारने वाली है, अगर ये हमारे साथ गठबंधन में आन के काम करते हैं तो शायद इनको कुछ सीटें मिल जाएं। अब उन्होंने खुला न्योता दिया आपको, समाज खुला न्योता दिया है, चल रही है। इनको भी दिल्ली का मॉडल समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, समाजवादी पार्टी बनाने जा रही है, जनता उसके साथ। इनको मालूम है कि इन्होंने मंदिर मस्जिद पे वोट मांगे हैं, अब ये बिजली पर वोट मांगने की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का साथ चाहते हैं। अब आप उनको कह रहे थे, उनको न्योता दे रहे थे, वो कह रहे हैं आपने राजनीति अलग गठबंधन, ये बड़े लेवल की बात है, मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पर। अभी आपने कहा गठबंधन कर लेते हैं, तो गठबंधन अगर कर लेते हैं तो हमारे साथ कुछ सीटें पा जाएंगे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, हमने गठबंधन की चर्चा की शुरुआत की थी जब हमने ये कहा कि हम बिजली फ्री करना चाहते हैं 300 यूनिट और बिजली का पुराना बकाया माफ करना चाहते हैं। इनके मुखिया ने तुरंत इनकार कर दिया कि हम इसको घोषणा पत्र में शामिल नहीं करेंगे, इसी बात पे हमारा गठबंधन बैक हो गया। ये शायद इनको नहीं मालूम होगा, नहीं बराबर इनके नेता बिजली फ्री नहीं करना चाहते, उत्तर प्रदेश में चोरी करना। राजभर जी तो हर रैली में अखिलेश यादव से पहले ही ऐलान कर देते हैं कि बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, तो ये तो ऐलान नहीं करते, इनके सहयोगी ऐलान कर दे रहे हैं। जवाब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अभी चुनाव आने जा रहा है, देख लीजिएगा घोषणा पत्र में इनको सब कुछ मिलेगा। आपके साथ दिक्कत यह, मैं आपके काम का सवाल पूछ रहा हूँ, आपके साथ दिक्कत यह कि उनके साथ गठबंधन में लोग हैं, उनके साथ गठबंधन में लोग हैं, इनके साथ भी हो सकता आ जाए, आपके साथ तो कोई गठबंधन ही नहीं कर रहा है। हमें गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है। अभी मेरी महिलाएं बैठी हैं, प्रियंका जी ने इस देश में किसी पार्टी ने अगर घोषणा की है 40% महिलाओं को टिकट देने की, और महिलाओं का मैनिफेस्टो अलग से बनाया है, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, चाहे पुलिस में हो चाहे किसी तरह का उनके खिलाफ उत्पीड़न हो, उस पूरा घोषणा पत्र है। तो खाली घोषणा करना जानते हैं और आम आदमी पार्टी उसको लागू करना जानती है। इन लोगों ने इन्होंने सिर्फ घोषणाएं की चुनाव के टाइम आकर, और समाजवादी पार्टी हकीकत में समाज सेवा करना चाहती है। आप इनके सारे लीडरों की भलाई करना चाहते हैं, नहीं तो आप भी दे दीजिए 40%, देख लीजिए आप भी दे दीजिए फिर 40%। अभी चंद दिनों के बाद देखने को मिलने वाला है आपको। देखिए बड़बोलापन नहीं करना चाहिए, समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियों के घोषणा पत्र आपको अखिलेश यादव ने कहा था, देख लीजिएगा। आपको अखिलेश यादव ने कहा था ऐसा? नहीं, मेरे अखिलेश यादव जी से सिलसिले में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन घोषणा पत्र में आने जा रहा है, देख लीजिएगा आप। ओके, 40% चर्चा हो रही है, 40%। देखिए जो भी कुछ है इसमें आपका, ये बड़े लेवल की बात है, मैं रामपुर के तक बात कर रहा हूँ अभी, मैं ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या हमारे बड़े नेता ही बता पाएंगे इस सिलसिले में। लेकिन जो घोषणा पत्र में बात आ रही है वो बिजली पानी की, उसको लेकर के घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा मुस्लिमों के लिए। ये पूछ रहे हैं कुछ, बताइए 2012 के मैनिफेस्टो में अखिलेश यादव ने घोषणा की थी कि 18% रिजर्वेशन दिया जाएगा मुसलमानों को, वो कहां है उसका जवाब बताइए।
बेहतर सवाल है और कड़वा सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं पूछ रहा हूं कहां गया आरक्षण, इसका जवाब जनता को मिले मिलना चाहिए बिल्कुल। और कह रहे हैं इसका जवाब जनता देगी, समाजवादी पार्टी के साथ इसका जवाब जनता देगी। देखिए जो रिजर्वेशन की बात हुई है, रिजर्वेशन के अनुसार मानक के अनुसार मुसलमानों को बहुत कुछ हासिल होता है समाजवादी सरकारों में। समाजवादी सरकारों में जितना विकास होता है मुसलमानों का, उनसे ज्यादा कोई नहीं जाता। राजू मांगली बोली, समाजवादी पार्टी में विकास तो कभी हुआ ही नहीं, विनाश ही विनाश किया है इन लोगों ने। यहाँ के रोजगार का विनाश किया है, यहाँ की जनता का विनाश किया है, यहाँ की बिल्डिंगों का विनाश किया है, यहाँ की शिक्षा का विनाश किया है। इन्होंने विनाश के अलावा कुछ नहीं किया, सिर्फ पेट भरे हैं, तिजोरियाँ भरी हैं अपनी, इन्होंने कोई काम नहीं किया है। अगर काम किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती, जेलों में नहीं होते। इनके कर्म और इनके कुकर्म ऐसे रहे कि जो आज जेलों में हैं और जनता खुश है। इन्होंने एक काम किया कि अपनी स्थिति तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन यहाँ की जनता की स्थिति, जो पहले तीन पहिया की रिक्शा चलाया करती थी, आज वो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा चलाती है, बस इतना ही विकास हुआ है उनका। बाकी पहले भी रिक्शा चलाते थे, आज भी रिक्शा चलाते हैं। मुस्लिमों से मोहब्बत नहीं है, एक ये मुस्लिम कर रहे थे, मुस्लिमों के 40% चुनाव है तो आपको यूपी याद आ गया, जिन राज्यों में आप है पहले 40% वहां दे देते। यूपी में पहला राज्य यूपी है, चूंकि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, और पिछले 4 साल में कोई उत्पीड़न हुआ हो, किसी पार्टी का नेता हो, चाहे किसी किसान उत्पीड़न हुआ हो, चाहे दलित उत्पीड़न हुआ हो, चाहे एनआरसी का कांड हो, वहाँ प्रियंका गांधी नहीं, प्रियंका गांधी पहले पहुंची है, पूरा देश और प्रदेश जानता है। आम आदमी पार्टी के सांसद ने जितनी मजबूती से आम आदमी पार्टी का मुद्दे के अंदर हर मुद्दे पर आवाज उठाई है, किसी एक नेता ने नहीं उठाई है। इसमें हर कांड पे, चाहे किसान शहीद हुआ हो, चाहे बिलासपुर में रामपुर में शहीद हुआ हो, प्रियंका गांधी आई उसकी, चाहे लखीमपुर में हुआ हो, 3-4 दिन वो जेल में नहीं, उनको इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा मैं बिना मिले नहीं जाऊंगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर आपका गठबंधन उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के साथ हो जाए तो कैसा रहेगा? नहीं, हम अकेले लड़ेंगे, हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं। ये देखिए आपके सामने ही मना कर रहे हैं, अगर आप न्योता देंगे तब भी वो नहीं जाएंगे, कह रहे हैं कोविड पीरियड में कांग्रेस कहां थी, समाजवादी पार्टी कहां थे, ये लोग सारे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और बिजली का मुद्दा है, हम उस मुद्दे पर वोट मांगते हैं। हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, हमारा हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद वोट बैंक नहीं है, इन लोगों का वोट बैंक हिंदू मुसलमान है, हमारा वोट कंपनियों से नहीं होता है, जो लोग विकास चाहते हैं विचारधारा से होता है। कांग्रेस एक विचारधारा, एक सोच है, और ये प्राइवेट लिमिटेड है। ये सोच ऐसी है कि 32 साल होगा इसको सोचते सोचते, उत्तर प्रदेश में 32 साल होगा इस सोच को, सोच ही रहे सांप्रदायिकता और जातिवाद का जोर सोचते हैं। 32 साल से सांप्रदायिकता और जातिवाद की लड़ाई हुई, और जब कांग्रेस का मतलब है, ये दोनों प्राइवेट लिमिटेड है, एक के आजम खान परिवार का राज है, एक में राहुल गांधी का राजीव गांधी परिवार का राज है, आम जनता के इनके पास कोई जगह। और मोदी और अमित शाह का क्या है, मोटा भाई मेरा सवाल बीजेपी से, बीजेपी से चुनाव करीब आने के बाद क्यों किसान के बिल वापस करें? चुनाव करीब आया तो किसानों के बिल आपको वापस लेना पड़ा, और डर गए थे क्योंकि किसान आपको वोट नहीं देगा। किसानों से लगातार बात चल रही थी, लगातार उनके टच में थे, उनकी मांगे मानी जा रही थी, सब कुछ हो रहा था, बिल भी वापस लिया है किसानों के हित में, बिल भी वापस दिया उनकी मानते हुए, किसानों का बात भी लिया है। यहाँ का एक लोकल मुद्दा है, लाल पुल कपूर, जहाँ से पूरी हमारी तहसील टांडा परेशान है, ये 5 साल से सरकार में जी, इन्होंने पुल का लिंटर उतरवा दिया, बना हुआ पुल छोड़ दिया, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, समाजवादी हूँ, आपसे पूछना है मुझे, मैं किसकी सरकार में टूटा, समाजवादी की सरकार में टूटा, समाजवादियों से पूछना है मेरा सवाल, समाजवादी की सरकार में पुल बनाया गया और अधूरा छूट गया, समाज जो हो गया, विकास जो हुआ वो तो देखा नहीं जा रहा है, जो नहीं हो रहा है उस पर किसी ने कुछ करके दिखाया अब तक? 5 साल की सरकार में जो होना चाहिए था वो तो नहीं हुआ, और जो आम आ गए, जो 4 दिन के आ गए, वो दावे इतने बड़े बड़े कर रहे हैं, कुछ करके दिखाया अब तक तो बताएं कोई, जिसने करके दिखा दिया। अगर आम आदमी पार्टी ये वादा करती है कि उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज देगी, तो वो देकर दिखाएगी, क्योंकि दिल्ली में करके दिखाया या देकर दिखाएगी। किसी पुल की बात कर रहे थे बताए राजू मांगली जी, किसी पुल की बात कर रहे थे? मतलब आजम खान साहब को हमारे जो यहाँ के आपने शिलान्यास किया था, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि टांडा एक इंडस्ट्री, आपके मंत्री आए थे वहाँ, पीडब्ल्यूडी मंत्री आए थे, वो शिलान्यास करके गए थे, तो उन्हें वो बर्दाश्त नहीं हुआ, इंडस्ट्री नहीं बंद करा पाए, तो उन्होंने पुलिस उड़ा दिया, बोले पुल टूट जाएगा तो आवागमन बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जल्दी से।
करोड़ों रुपए की परियोजनाएं माननीय आजम खान साहब ने पास कराई थी, जिसमें लालपुर का पुल भी शामिल है। माननीय आजम खान साहब की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और वो काम रुक गया और हमने उस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। शंखनाद में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए, लेकिन आगे भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।